मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इसके लिए जब तक शिक्षकों की पूर्ति विद्यालय में नहीं की जा रही है तब तक अतिथि शिक्षक के रूप में वहाँ पर पढ़ाने के लिए पदस्थ किया जाता है। जो डीएड और बीएड धारी होते हैं उन्हें अतिथि शिक्षक की नियुक्ति विद्यालयों में दी जाती है। परंतु एक ऐसा वाकया सामने आया है जिसको देख सुन और पढ़कर आप अचंभित रह जाएंगे। जी हाँ, यह पूरा मामला है सीधी जिले के जनपद शिक्षा केंद्र सिहावल अंतर्गत संकुल केंद्र हटवा खास के प्राइमरी विद्यालय, जो प्राथमिक विद्यालय है मुसलमान टोला, जहाँ पर एक अतिथि शिक्षिका हैं सोनम सोनी, उनकी जगह पर उनकी भाभी पढ़ाने के लिए आती हैं। और जैसी कि जानकारी मिली है वह किसी भी प्रकार की शिक्षित नहीं है, यानी डीएड बीएड धारी नहीं है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि वहाँ के हेडमास्टर ने कैसे उन्हें पढ़ाने की अनुमति दे दी है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के हम बच्चों से जानते हैं कि बच्चे क्या कहते हैं। रिया। रिया, अच्छा कौन कक्षा में पढ़ाते हैं? सतमे। अच्छा तुम्हारे मैडम जी का नाम है? मैडम सोनम नाम है। सुभी नाव है। दोनों जनी आवती हाँ कहे कहे नहीं होती। अभी आपने सुना कि बच्चों ने बताया है कि दो मैम जी स्कूल में पढ़ाने के लिए आती हैं, सोनम सोनी और सुभी सोनी। वर्तमान में सोनम सोनी नहीं आ रही हैं और उनकी जगह पर उनकी भाभी सुभी सोनी पढ़ाने के लिए आ रही हैं, जैसा कि आप हमारी चलती हुई विजुअल के माध्यम से भी देख सकते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर हेडमास्टर संतोष सिंह का क्या कहना है उनसे भी जानते हैं। प्राइमरी मिडिल दोनों एक ही कैंपस में है। सर, देखने में आया है कि आपके यहाँ एक गेस्ट टीचर महिला हैं, उनके जगह पर उनकी भाभी यहाँ पर कार्य करती हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जी, ने देखा कि प्रत्यक्ष रूप से सोनम सोनी जो अतिथि शिक्षक वर्ग 3 में पढ़ाने आती थी, उनकी जगह पर उनकी भाभी पढ़ा रही हैं, आप चलते हुए विजुअल में देख चुके हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जब संस्था प्रमुख हेडमास्टर संतोष सिंह से हमारे द्वारा सवाल किया गया तो वो सवालों से बचते नजर आए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर प्रेमलाल मिश्रा से जानते हैं इस पूरे विषय वस्तु को लेकर वो क्या कुछ कहते हैं। शिक्षा केंद्र सिहावल अंतर्गत संकुल केंद्र हटवा खास के प्राथमिक शाला मुसलमान टोला में एक महिला अतिथि शिक्षक हैं सोनम सोनी, वह विद्यालय में नहीं आती हैं, जैसा कि बच्चों ने भी बताया है। उनके जगह पर उनकी भाभी आती हैं और वह पढ़ाती हुई दिखी है विद्यालय में। कहाँ तक सर न्याय संगत है और यदि गलत है तो क्या कार्रवाई होगी सर? ये मामला अभी मेरे संज्ञान में नहीं था कि किसी अतिथि शिक्षक के स्थान पर उसके परिवार के अन्य सदस्य के द्वारा अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। मैं तत्काल आज ही संकुल प्राचार्य से इसके संबंध में रिपोर्ट लूँगा और यदि मामले में इस तरह की सच्चाई पाई जाएगी तो संबंधित अतिथि शिक्षक को वहाँ से तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाएगा एवं उसके ऊपर अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। सर, क्या संबंधित संस्था प्रभारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी, निश्चित रूप से की जाएगी, क्योंकि ये मामला उनके संज्ञान में है, तभी कोई अतिथि शिक्षक के जगह पर उसका पारिवारिक सदस्य अन्य सदस्य के द्वारा अध्यापन कार्य कराया जा रहा होगा। शिक्षा अधिकारी डॉक्टर प्रेमलाल मिश्रा ने कहा है कि इस पर हम कार्यवाही करेंगे, लेकिन देखना दिलचस्प यह होगा कि इस नटवरलाल या नटवरलाली के खिलाफ क्या कार्यवाही होती है, क्या किसी भी तरह का प्रकरण पंजीबद्ध होता है। तो बने रहें कैमरामैन मोहित द्विवेदी के साथ, मैं अमर द्विवेदी, प्रथम न्याय न्यूज।